नमस्कार, मैं एक यादव आज बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2022 के बारे में कि क्या 2022 का जो नीट है 21 मई को डिसाइड हुआ है, क्या वो फिर से पोस्टपोन होगा कि नहीं। इस टॉपिक पे हम पूरा आज कवर करेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं क्या नहीं हैं। तो जैसा कि मैं बता दूँ आपको, NMC ने जब से स्पेशल राउंड काउंसलिंग की है उसके बाद अब तक आपको कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिली है। सारी स्टेट्स की काउंसलिंग मॉपअप राउंड की पेंडिंग पे पड़ी हुई हैं, स्टिल पेंडिंग पे पड़ी हुई हैं। तो क्या रीज़न है, क्यों आके इतना डिले हो रहा है, कोई मुझे बताएगा क्यों आके इतना डिले हो रहा है? यही सवाल हर बच्चा मुझसे पूछ रहा है, हर कैंडिडेट मुझसे पूछ रहा है। क्या जवाब दूँ मैं उनको, क्या आखिर क्यों और क्या रीज़न है आखिर मॉपअप राउंड में इतना डिले हो रहा है? तो बताओ, तो बहुत सारी यहाँ पे गर्मा गर्मी चल रही है इसी माहौल में। सुप्रीम कोर्ट का भी बीच में इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है इस समय। तो इसी सारी चीज़ों को दिमाग में रख के ये पॉसिबिलिटीज़ जो लग रही हैं, जैसे 2022 जो नीट पीजी है वो पोस्टपोन होने की कगार पे आपको दिख रहा है। और मुझे मोस्ट प्रॉब्ली मैं जो कह रहा हूँ कि आपको नीट पीजी पोस्टपोन होता हुआ दिखेगा, जी हाँ मैं कह रहा हूँ नीट पीजी पोस्टपोन होगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। मैं पहले बता रहा हूँ आपको नीट पीजी पोस्टपोन हुआ, उसके भी पीछे कुछ रीजन्स हैं, जैसे कि अब तक मॉपअप राउंड हुआ नहीं है। अगर मॉपअप राउंड होता भी है तो मोस्ट प्रॉबली ऑल इंडिया जैसे मॉपअप ख़त्म होगा, उसके बाद सारे स्टेट्स अपनी मॉपअप राउंड शुरू करेंगे, ठीक है। तो उसको मॉपअप ख़त्म होने के बाद आपकी स्टे वैकेंसी राउंड है। मोस्ट प्रॉबली अगर देखा जाए तो कम से कम इस जो ड्यूरेशन है इसका आपको मई के 10-15 तारीख तक आपको वेरी करता हुआ दिखेगा, क्या पता वो 20 मई तक चला जाए। तब ये होगा कि आप मॉपअप स्टे वैकेंसी राउंड 15 या 20 मई तक ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद कैसे ही नया सीज़न का आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा कर आप कैसे कर लेंगे शुरू। तो जो मोस्ट प्रॉबली है आपको नीट पीजी 2022 पोस्टपोन होता हुआ दिखेगा। अगर आपको लग रहा हो कि मैं चीज़ गलत कह रहा हूँ तो आपको इन फ्यूचर वो चीज़ भी पता चल जाएगी। तो अगर मैं कहूँ आप नीट पीजी 2022 का इंतज़ार कर रहे हैं तो मैं कहूँगा 2021 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर अभी आप अगर सीट लेना चाहते हैं तो ज़रूर देखें। काउंसलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे कॉल करें। CPS FCPS की भी काउंसलिंग अभी बाकी है, वो अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आई है। आप खुद सोचिए क्या रीज़न है, क्या हो रहा है इस बार इंडिया में। अगर काउंसलिंग से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं या नीट पीजी के रिगार्डिंग आपको इंक्वायरी है या आप एडमिशन के लिए देख रहे हैं इस साल, तो प्लीज़ नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर मुझे कॉल करें। मैं और मेरी टीम पूरी आपकी हेल्प करेंगे एडमिशन लेने में 2021 में। तो हमारे चैनल पर बने रहें, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी उस नए टॉपिक और नई टॉप बात के साथ। तो इस वीडियो में बस इतना।